प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नेशनल लॉ विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह उन्होंने इस वक्त आयोजित है। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ जुड़े थे लोगों के लिए, बल्कि एक कॉमन मैन के मन में भी एक नया विश्वास पैदा करता है। तो स्वाभाविक रूप से जब इस धर्म ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी के इस महासंगम में एक नई कड़ी जोड़नी थी, तो उस कड़ी का शुभारंभ किसके कर कमलों से हो, मैं इसके लिए विश्वविद्यालय इस नव गठित विश्वविद्यालय के विजिटर जस्टिस मनोज मिश्रा जी को, विश्वविद्यालय के चांसलर और अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली जी को, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी को, यहां के सभी अपने माननीय न्यायमूर्तियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज आमंत्रित किया है। यह अवसर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, भारत गणतंत्र अपने अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किया है। याद करिए 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था और इन 74 वर्षों में भारत के संविधान ने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक नई प्रेरणा दी, दुनिया को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और जब भारत गणतंत्र अपने अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहा हो, उन स्थितियों को स्मरणीय बनाने के लिए एक नई शुरुआत न्याय की इस नगरी में आज प्रारंभ होने जा रहा है। आप जब संविधान की डिबेट को देखते होंगे, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी जब भारत के संविधान की डिबेट चल रही थी, प्रस्तावना क्यों लेकर के। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि हमारी चुनौती संविधान के विस्तार को लेकर के और अंत को लेकर के नहीं है, हम इति को लेकर के परेशान होते हैं कि समारोह कैसा हो। समारोह अच्छा होगा, उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे, वह सत्य हमने शुरुआत अच्छी की है। इति की चिंता मत करिए, अब की शुरुआत यानी अब की चिंता करिए, शुरुआत कैसे हम कर रहे हैं, और ये शुरुआत अच्छी हुई है और वह भी भारत के संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर, जो भारत गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, उनके नाम पर बनने वाले इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ आज भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है, एक नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि जिन छात्रों का इसमें प्रवेश होने वाला है, उनमें से बहुत सारे छात्र उनके अभिभावक भी इस समारोह के भागीदार बन रहे हैं, यह दिन उनके लिए बड़ा स्मरणीय होगा, क्योंकि जिस फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहते हैं उसका आज के समय के सबसे चमकता हुआ सितारा उनके सामने है, उनको गाइड करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, तो स्वाभाविक रूप से वह उनके लिए एक नई प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश के लिए हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हम उत्तर प्रदेश को एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश देश की
एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन को स्थापित करने में कुछ सफलता प्राप्त की। सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ बगैर बार और बेंच के सहयोग से नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के बार को भी और बेंच को भी इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद भी दूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करूंगा। उत्तर प्रदेश के सुशासन के इस मॉडल को स्थापित करने के लिए उनका सकारात्मक सहयोग प्रदेश को हमेशा प्राप्त हुआ है, उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश कुछ नया करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, न केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बल्कि मैंने पहले भी कहा कि सुशासन की पहली शर्त वह रूल ऑफ लॉ है, और यह तभी संभव हो सकता है जब उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। राज्य सरकार इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, क्योंकि मेरे पास जब भी न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, हम अपने अधिकारियों से भी कहते हैं कि देखो, एक कॉमन मैन का विश्वास न्यायिक जगत से बना है, हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास जगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छी और उतना सकारात्मक सहयोग हमें करना चाहिए। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि चाहे वह यहां पर उच्च न्यायालयों का हो, जनपदीय इंटीग्रेटेड न्यायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के कार्यक्रम का हो, या फिर अन्य बार से जुड़े हुए उन सभी समस्याओं के समाधान का हो, हम उन लोगों से कहते हैं देखो, लोकतंत्र में हमें डायलॉग के महत्व को समझना होगा। आपकी कोई बात हो तो सीधे पहले एक बार अपनी बात को शासन तक पहुंचा दीजिए, उसके लिए अनेक माध्यम है। अब उन तक किसी भी माध्यम से हमारे पास वो बात पहुंचती है तो उसका हम सकारात्मक रूप से उसका समाधान निकालेंगे और उसको हम समाधान तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सरकार के पास पहुंचने का मतलब फिर समस्या समस्या नहीं रहनी चाहिए और समाधान में बदलनी चाहिए, और समाधान का रास्ता हमें हर हाल में निकालना है, और समाधान के उस मार्ग को निकालने के लिए सरकार जब आगे बढ़ती है तो अवश्य उसका कोई निष्कर्ष भी अवश्य निकलता है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ा है। आज का यह अवसर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी और प्रयागराज वासियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज वासियों के लिए भी, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब का एक लंबा समय यहां पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में व्यतीत हुआ, उनकी स्मृतियां यहां से जुड़ी हुई और इलाहाबाद वासियों की स्मृतियां भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो स्वाभाविक रूप से 8 वर्ष के बाद उनका यहां पर आगमन हुआ है, तो यहां तो उनके लिए स्मरणीय है ही, लेकिन जब आए हैं तो यहां के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी देकर के जा रहे हैं, तो यह और भी महत्वपूर्ण होगा कि उनकी यात्रा यहां के लिए और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, कई युगों के लिए स्मरणीय होने जा रही है। पीढ़ियां इस दिन के लिए देख करके भाव होंगी, वे इस दिन को देख करके जब भी कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कहां से शुरुआत हुई थी, इन सभी को लेकर के उनके मन में एक नई प्रेरणा होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर जो अभी कुलपति, जो यहां की नवनियुक्त कुलपति है प्रोफेसर उषा टंडन जी ने आपके सामने बताया कि यहां फर्स्ट ईयर में हम यहां पे BLLB के 5 ईयर्स कोर्स का प्रारंभ करने जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में 1 ईयर का LLM का कोर्स प्रारंभ होगा, फिर PhD के पाठ्यक्रम 3 वर्षीय PhD का कार्यक्रम भी यहां पर प्रारंभ होगा। और इस दौरान अच्छा होगा यहां की फैकल्टी, अभी संसद में 3 नए एक्ट बने हैं,
युवा अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण का विशेष कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो, राज्य सरकार इसको पूरा सपोर्ट करेगी और मुझे लगता है इस दायित्व को भी इस लॉ इंडस्ट्री को अपने ऊपर लेना चाहिए। यहाँ के प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को हर जनपद से युवा अधिवक्ताओं को बुलाएं, क्योंकि आज अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने अपने स्तर पर बहुत कुछ करने का प्रयास किया है और आगे भी हमारा बार काउंसिल के शिव कुमार गौर है और भी यहाँ के उनके पदाधिकारी मौजूद हैं, ये लोग अपनी बात को समय समय पर रखते आए हैं और मैं इस बात को उनको आश्वस्त करता हूँ कि न केवल प्रशिक्षण के लिए बल्कि उनकी अन्य सुविधाओं के लिए भी सरकार पूरी तरीके से उनके साथ रह करके उनको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के आज शुभारंभ के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।